नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के मंत्री मां के दरबार पहुंचे। विंध्याचल के मिर्जापुर में मध्य प्रदेश सरकार के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र लौटरिया सुबह ही मां के दरबार पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है, धार्मिक यात्रा पर है। मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। विंध्य कॉरिडोर के कार्य को देखकर खुशी जाहिर की और कहा कि बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, बनने के बाद ही रूप दिखेगा मां के दरबार का। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। आज दर्शन करने आए मां विंध्यवासिनी का, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा धार्मिक यात्रा में हम लोग आए हुए हैं। आज यहाँ विंध्यवासिनी माता के दर्शन की आशीर्वाद लिया, अब हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। धार्मिक यात्रा है, कोई कार्यक्रम नहीं हम लोगों का। तो विंध्याचल में आए सर, ये कॉरिडोर हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले भी दर्शन करने आया हूँ, बहुत परेशानी होती है, जब भी बन जाएगा तब समझ में आएगा। बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में।